108 दिनों में बनाई है। 108 इसके अलग अलग हिस्से हैं। इसमें शिखर में डायमंड का प्रयोग हुआ, हीरे हीरों का प्रयोग हुआ है, और इसकी प्रतिमा जो है भगवान राम की प्रतिमा सोने की है। इस ये पूरे चांदी में ही बनी है और ये करीब पूरा 2.5 किलो इसका वजन है। इसको अनकट डायमंड बोलते हैं और ये शुद्ध डायमंड ही होता है, और ये उस पर इसके शिखर पर लगा हुआ है। ये आस्था का विषय है। भगवान राम के लिए हर कोई कुछ ना कुछ करना चाह रहा था। ये 500 वर्षों की प्रतीक्षा खत्म हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के 500 वर्षों की प्रतीक्षा खत्म की है, जिसकी वजह से जो है हम लोगों का भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है। और उसी कड़ी में मुझे लगा कि हम भी अपने से कुछ कर सकते हैं, तो मैंने अपनी कला का प्रयोग करके गुलाबी मीनाकारी की यह राम मंदिर बनाया है। और हम चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको अपने हाथ से भगवान श्री राम को समर्पित करें, तो हम धन्य हो जाएंगे। और ये 108 दिनों में तैयार हुई है। इसके 108 अलग अलग हिस्से हैं। गुलाबी मीनाकारी जो सोने और चांदी से बनती है, और इसमें हीरे भी लगे हुए हैं। इसमें भगवान राम की सोने की प्रतिमा है, जिसके स्थापना के बाद ही आसान हुआ बनना, नहीं तो हम लोगों को लग रहा था शायद ये नहीं बन पाए। और हम लोग इसको भगवान राम की धुन पे ही सुनते हुए, उनको गुनगुनाते हुए बना पाए हैं। ये उन्हीं की कृपा है जो हम इसको पूरा कर पाए हैं। काफ़ी इसके डिजाइन में काफ़ी दिक्कतें थी। हम लोगों को लग रहा था कि इसका अलग अलग जो पार्ट्स था, कभी कोई छोटा, कभी कोई बड़ा हो जा रहा था, कभी कुछ हो जा रहा था। तो हम लोग जब इसमें भगवान राम की पहले हम लोगों ने चांदी की प्रतिमा बनाई, तो मुझे लगा कि वो शायद पर्याप्त नहीं होगी। कुछ सोना सबसे शुद्ध धातु माना जाता है, तो हम लोगों ने पहले भगवान राम की सोने की प्रतिमा बनाई, और जैसे वो बन के तैयार हुई उसको वैसे ही किया, हम लोगों ने स्थापित किया वहाँ पर, उनके अपना स्थान दिया। उसके बाद ये काफ़ी आसान हो गया, हम लोगों ने फिर सारा आराम से जो है काम कर लिया। हाँ, ये है कि जब तक हम लोग भगवान राम को वहाँ पे स्थापित नहीं कर दिए, तब तक बन नहीं रहा था। और स्थापित करने के बाद काफ़ी आसान हो गया बनना। ये हम लोग रोज़ इस पे काम करते थे, और ये 108 दिन में बने हैं, और 108 इसके अलग अलग हिस्से हैं। ये इसकी खासियत है। इसमें भगवान राम की प्रतिमा है, वो सोने की है, शुद्ध सोने की है। और इसके जो शिखर पे वो अनकट डायमंड, जो डायमंड लगे हैं, हीरे लगे हैं, और ये पूरा का पूरा चांदी का ही बना है। इसके जो कलर होते हैं पिंक, वो गोल्ड के ऑक्साइड से बने हैं। एक्सचेंज योर ओल्ड एसी एंड टेक होम अ न्यू पावर सेविंग एसी। सेव अप टू ₹10,000। पात्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ओडिशाज लार्जेस्ट एसी सेलर।